बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी कोकोनट मिल्क। तो मैंने कच्चा नारियल ले लिया है, अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कोकोनट को ग्रेट कर लिए हैं, अब इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुका है। अब बड़ा सा बाउल ले लेंगे हम। ये है बाउल, ये है छन्नी और ये है मलमल का कपड़ा। इसमें हम छानेंगे। इसको हम दबा के स्पैचुला से निकालेंगे। अच्छे हम दबा करके निचोड़ करके निकालेंगे। अब इसको हम हटा देंगे और ये है जार। ये बचा हुआ जो है ना, इसको हम डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके और हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हम फिर ग्राइंड कर लिए हैं। देखिए बहुत सारा दूध निकल गया है। और ये जो बचा है ना, उसको हम खीर बना लेंगे। खीर में काम आ जाएगा, चाहे हलवा बना लेंगे। ये बहुत टेस्टी होगा हलवा, और खीर भी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं दूध इतना निकल चुका है। अभी हम डालेंगे गिलास में। सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आपके घर में दूध ना हो तो आप इसे खीर बना लें। अच्छे से खीर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेहत के लिए बहुत हेल्दी है नारियल। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो क्या करेंगे, कच्चा नारियल मंगा लेंगे मार्केट से और इसको मिल्क बना करके और खीर बना लें, चाय बना लें। तो देखिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।